आप सभी वैष्णव परिकरों का भागवत स्वाध्याय में बहुत बहुत स्वागत। चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करने जा रहे हैं और आप सभी के सहयोग के लिए मैं आप सभी के हृदय से आभारी हूँ। चलिए हम भगवान विष्णु के चरणों में, युगल किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए उनकी स्तुति करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। इसी के साथ हम चतुर्थ स्कंद के प्रथम अध्याय में मैत्रेय जी द्वारा मनु की कन्याओं के वर्णन को आश्रवण कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुख सागर चतुर्थ स्कंद इसका अर्थ है, जो भगवान श्री कृष्ण चंद्र भक्तों पर अति कृपा करने वाले हैं तथा भक्तिहीन साधक हट पूर्वक जिनकी परछाई को भी नहीं छू सकते तथा जिन भगवान श्री कृष्ण चंद्र के समान किसी का भी ऐश्वर्य नहीं है, उनसे अधिक और क्या हो सकता है। ऐसे ईश्वर्यवान भगवान श्री कृष्ण चंद को, जो सर्वदा अपने ब्रह्म स्वरूप में विद्यमान रहते हैं, मैं उनको बार बार श्री कृष्ण चंद को प्रणाम करता हूँ। मैत्रेय जी द्वारा मनु की कन्याओं का प्रथम अध्याय में वर्णन श्रवण करेंगे। इसमें दोहे का वर्णन है। मैत्रेय जी वर्णन कियो मनु पुत्रेन को वंश, भई जगत की उत्पत्ति मिली देवन को अंश। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, स्वयंभू मनु के दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद तथा तीन कन्याएं आकृति, देवभूति और प्रसूति महारानी शत्रुपा के गर्भ से उत्पन्न हुई। महाराजा मनु ने आकृति का विवाह शत्रुपा की अनुमति लेकर रुचि प्रजापति के साथ किया। यद्यपि रुचि प्रजापति उनके भाई थे, किंतु पुत्री का धर्म का अनुसार यह विवाह संपन्न किया। रुचि प्रजापति भगवान के बड़े भक्त थे। तपस्या के प्रभाव से उनका ब्रह्म तेज देवदीप्यमान हो रहा था। आकृति के गर्भ से रुचि प्रजापति ने एक बालक तथा कन्या उत्पन्न की। वह बालक साक्षात यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु थे तथा वह कन्या उनकी प्रिय पत्नी लक्ष्मी जी थी। मनु जी ने पुत्री का धर्म के अनुसार आकृति के परम तेजस्वी पुत्र को प्रसन्न होकर ले लिया और उस कन्या को, जिसका नाम दक्षिणा था, रुचि प्रजापति ने ही अपने घर में रख लिया। जब वह कन्या विवाह योग्य हुई तो उसका विवाह भगवान विष्णु के साथ हुआ। भगवान विष्णु ने दक्षिणा के गर्भ से 12 पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इड़स्ति, इष्म, कार्व, विभु, स्वहन, सुदेव और रोचन था। स्वयंभू मन्वंतर में ये ही दूषित नाम के देवता कहलाए। उस मन्वंतर में मरीचि इत्यादि सप्त ऋषि भगवान विष्णु, इंद्र, प्रियव्रत, उत्तानपाद, मनु पुत्र थे। वह मन्वंतर इन्हीं प्रियव्रत और उत्तानपाद के पुत्र, पौत्र, दोहित्र आदि से भरपूर था। हे विदुर जी, मनु जी ने देवभूति का विवाह परम तेजस्वी कर्दमन मुनि के साथ किया। तीसरी कन्या प्रसूति को दक्ष प्रजापति ने ग्रहण किया। इस सारी त्रिलोकी में उनकी सृष्टि फैली हुई है। हे विदुर जी, मैंने देवहूति तथा कर्दम जी से उत्पन्न 9 कन्याओं का वर्णन पहले ही किया है। वे कन्याएं 9 ब्रह्म ऋषि को ब्याह दी गई थी। श्री मरीचि ऋषि को कर्दम की कला नाम की बेटी ब्याही थी, जिसने कश्यप तथा पूर्णिमा नाम के 2 पुत्र उत्पन्न किए, जिनकी उत्पत्ति से यह सारा विश्व है। पूर्णिमा के वज्र, ब्रज और विश्व 2 पुत्र केवकुल्या नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई। यही अगले जन्म में गंगा नदी के रूप में प्रकट हुई। अत्रि की स्त्री अनुसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नाम के 3 पुत्र भगवान विष्णु, शंकर, ब्रह्मा के अंश के रूप में प्रकट हुए। विदुर जी बोले, हे मैत्रेय जी, इस संसार को उत्पन्न करने वाली, पालन करने वाली, मारने वाली इन तीनों शक्तियों ने किस प्रकार अत्रि मुनि के यहाँ अवतार लिया। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ अत्रि मुनि को ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न करने के लिए कहा।
तब वे दोनों तपस्या के हेतु ऋक्ष्वन पर्वत पर गए। उस पर्वत पर एक विशाल अशोक और पलाश का वन था। वहां पर निविध्या नदी बहती थी। उस सुंदर वन में अत्रि मुनि प्राणायाम से अपने को वश में करके 100 वर्ष पर्यंत केवल वायु आहार करके एक पेड़ से खड़े रहे। उनकी इच्छा भगवान के समान पुत्र उत्पन्न करने की थी। उनकी तपस्या के प्रभाव से भगवान विष्णु, ब्रह्मा, महादेव तीनों उस स्थान पर आए। उस समय देवता लोग पुष्पों की वृष्टि करने लगे। तीनों महान शक्तियों को देखकर अत्रि मुनि प्रसन्न हुए और एक पेड़ से खड़े होकर पृथ्वी पर लेटकर साष्टांग प्रणाम किया तथा उनकी पूजा की। वे तीनों ही आदि देव अपने अपने वाहनों पर चढ़े हुए थे। उनके नेत्र कृपा की वृष्टि कर रहे थे, मंद मंद मुस्कान और मंद हास्य से कृपा वृष्टि कर रहे थे। अत्रि मुनि उनके तेज को देखकर चौंधिया गए और नेत्र बंद करके मधुर शब्दों में उनकी प्रार्थना करने लगे। हे जगत के नियंता, आप ही अपने तीन गुणों से, रजोगुण से ब्रह्मा, तमोगुण से शंकर, सत्वगुण से विष्णु रूप धारण करते हो। मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। जिनका मैंने चिंतन किया था, आप तीनों में से वे कौन हैं? श्री मैत्री जी बोले, विदुर जी, अत्रि मुनि के ऐसे वचन सुनकर नारायण की वह तीनों शक्तियाँ हंसी और बोली हैं, ब्रह्मदेव, तुमने जिस यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना की थी वह हम तीनों ही हैं। तुम सत्य संकल्प हो। तुम्हारा संकल्प पूर्ण करने के लिए हम तीनों अपने अंश रूप से उत्पन्न होंगे। इतना कहकर ये तीनों देव मुनि के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात समय आने पर विष्णु के अंश से दत्तात्रेय जी, महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि और ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुए। हे विदुर जी, अब मैं अंगिरा के वंश का वर्णन करता हूँ। अंगिरा ऋषि की पत्नी सिद्धा के गर्भ से सिनीवाला, कुहू, राका, अनुमति, ये चार कन्याएं उत्पन्न हुई। उनके दो पुत्र तथ्य और बृहस्पति जी भी उत्पन्न हुए। पुलस्त की पत्नी हरविगु के गर्भ से अगस्त मुनि और विश्वा उत्पन्न हुए। अगस्त जी अगले जन्म में जठारग्नि बने और विश्रवा के इड़विड़ा नाम की पत्नी से कुबेर उत्पन्न हुए। उनकी दूसरी पत्नी केसिनी के गर्भ से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, ये तीन पुत्र उत्पन्न हुए। महर्षि पुल की पत्नी गति के गर्भ से कर्म, श्रेष्ठ, वरियान और सहिष्णु तीन पुत्र उत्पन्न हुए। महर्षि क्रुतु की धर्म पत्नी क्रिया के गर्भ से बाल, खिल्यादि, 60 सहस्त्र ऋषि उत्पन्न हुए। हे विदुर जी, महर्षि वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति के गर्भ से चित्र केतु, सुरोचि, विरचा, मित्र, उल्वण, वसु, भूदान और घुतमान, 7 पुत्रों का जन्म हुआ। वशिष्ठ जी की दूसरी पत्नी के गर्भ से शक्ति आदि कई पुत्र उत्पन्न हुए। अथवर्ण ऋषि की पत्नी चिति के गर्भ से दधीची नामक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ, जिनका दूसरा नाम अश्वासिरा था। हे विदुर जी, भृगु ऋषि की पत्नी ख्याति से धाता, विधाता नाम के 2 पुत्र और श्री नाम की 1 कन्या उत्पन्न हुई। धाता विधाता दोनों ऋषियों को मेरु ऋषि की पुत्री ख्याति और नियति ब्याही थी। उन पत्नियों से मृकण और प्रण नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। मृकण के मार्कंडे और प्रण के वेद शिरा ऋषि उत्पन्न हुए। भृगु के पुत्र कार्ब से शुक्राचार्य उत्पन्न हुए। हे विदुर जी, इन सब महर्षियों ने संतति उत्पन्न करके सृष्टि को बढ़ाया। मनु जी की तीसरी पुत्री प्रसूति दक्ष प्रजापति को ब्याही गई। उस प्रसूति के गर्भ से 16 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनमें दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से 13 कन्याएं धर्म को, 1 कन्या अग्नि को, 1 कन्या पितृगण को, 1 कन्या भगवान शंकर को ब्याह दी। धर्म की 13 पत्नियों के नाम श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेघा, तितिक्षा, द्वि तथा मूर्ति थे। उन पत्नियों ने क्रमशः शुभ, प्रसाद, अभय, सुख, मोद, अहंकार, योग, दर्प, अर्थ, स्मृति, क्षेम, लज्जा नाम के 13 पुत्र उत्पन्न किए। मूर्ति देवी के गर्भ से भगवान नर नारायण के उत्पन्न होने पर देवता लोग अति प्रसन्न हुए, उनकी पूजा करने लगे। वे ही नर नारायण दुष्टों का संहार करने के लिए अर्जुन और श्री कृष्ण के रूप में उत्तीर्ण हुए। अग्निदेव ने स्वाहा के गर्भ से पावक, पवमान और शुचि नाम के पुत्र उत्पन्न किए। इन तीनों से 45 प्रकार के अग्नि प्रकट हुए।
वे ही पिता और पितामह सहित 49 अग्नि कहलाए। पितृगणों से सुधा नाम की पत्नी के द्वारा धारणी और वायुना नाम की दो कन्याएं उत्पन्न हुई। इन दोनों का वंश नहीं चला। भगवान शंकर की पत्नी सती के भी कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि सती युवावस्था में ही अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भस्म हो गई थी। इस प्रकार चतुर्थ स्कंद का प्रथम अध्याय यह समाप्त होता है। कल हम दूसरे अध्याय में भगवान शिव और दक्ष प्रजापति की शत्रुता का वर्णन श्रवण करेंगे। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि।